आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के भाव में उछाल आया है। भारत द्वारा मई में गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध ने आग में घी का काम किया है। भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के भाव और बढ़ गए हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें 2008 के अपने रिकॉर्ड हाई से 11% ही नीचे हैं। वहीं मई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न की कीमतों में 2.1% की गिरावट आई, लेकिन यह एक साल पहले की तुलना में 18.1% ज्यादा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की फूड एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन FAO का कहना है कि गेहूं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथे महीने बढ़ी हैं, जो बीते साल की अपनी कीमत से औसतन 56.2% ज्यादा है और मार्च 2008 के अपने रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 11% कम। FAO अनाज मूल्य सूचकांक मई में 173.4 पॉइंट रहा, जो अप्रैल से 3.7 पॉइंट या 2.2% ज्यादा है और मई 2021 के 39.7 पॉइंट से 29.7% ज्यादा। FAO का प्राइस इंडेक्स मई में 157.4 पॉइंट रहा, जो कि अप्रैल की तुलना में 0.6% कम है। हालांकि पिछले साल मई की तुलना में यह 22.8% ज्यादा है। यह इंडेक्स सामान्य खाद्य कमोडिटी की बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में होने वाले मासिक बदलाव पर नजर रखता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का कहना है कि गेहूं की कीमतों में प्रमुख निर्यातक देशों में फसल की स्थितियों को लेकर चिंताओं के बीच भारत के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से उछाल आया है। इसके अलावा युद्ध के चलते यूक्रेन में गेहूं की पैदावार पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। इससे भी गेहूं के रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे आपूर्ति और टाइट रहने का अनुमान जताया जा रहा है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।